सिवनी जिले के कलेक्टर राहुल हरिदास ने केवलारी तहसील के गेहूं खरीदी केंद्र आहरवाड़ा में पहुंचकर निरीक्षण किया है यहां गेहूं रखरखाव के बारे में उन्होंने जानकारी ली है तो खरीदी केंद्र प्रभारी राजेंद्र ठाकुर की लापरवाही एवं अव्यवस्थित रख रखाव के चलते राजेंद्र ठाकुर को उन्होंने फटकार लगाते हुए उनके विरुद्ध एफ दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं गेहूँ खराब होने पर शासन को राजस्व की क्षति होती है तो वहीं समिति से वसूली किए जाए ऐसे भी निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं शीघ्र ही गेहूं उठाकर परिवहन करने को भी कहा है इसके अलावा ग्राम बंदेली में चल रहे मनरेगा का कार्य का भी उन्होंने जायजा लिया है आवास योजना के तहत आवासों का जहां कार्य चल रहा है वहां भी उन्होंने बारीकी से निरीक्षण लिया है और दिशा निर्देश जारी किए हैं वॉइस ऑफ राइट्स के लिए केवलारी से राजू मेहरा की रिपोर्ट